शुभम कुमार तुम ही हो ना, चलो तुम्हारा CSP अभी बंद कर दूंगा, चलो तुम जेल चलो, कछुआ थाने पर चलो, चलो अभी तुरंत चलो। रुको जरा, सबर करो। तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडियन बैंक के BC हैं या फिर किसी बैंक के BC हैं या फिर CSP संचालक ही क्यों ना हो या फिर आधार से कैश विड्रॉल का काम क्यों ना ही करते हो। तो दोस्तों मेरे यहाँ एक मैटर हुआ था जिसमें मैं एक गाँव का वीडियो जिसमें बनाया था, जिसमें बोला था गाँव के लोग पागल होते हैं। तो दोस्तों उसका मैटर मैंने आधे अधूरा बताया था। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा मैटर बताऊँगा और दोस्तों आप लोग को इन लोगों से सतर्क रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो को सुनने के लिए, आप इस भाषा को सुनने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिसमें आपको बैंकिंग फाइनेंस APS और इंडियन में QS पोर्टल रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ एक कस्टमर आया था, 6 महीने पहले कैश विड्रॉल किया और वो 6 महीने पहले कैश विड्रॉल किया मेरे यहाँ से। अब उसके जो जिस दिन विड्रॉल किया था वो उसके फिर 6 महीने बाद वो हमारे यहाँ आता है और बोलता है कि सर जी आपने मेरा ATM चेंज कर दिया और ATM चेंज कर दिया, मेरा पैसा जो है आपने निकाल लिया। क्योंकि भाई उसके साथ हुआ था ये कि वो 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ से पैसा निकाला था और 6 महीने बाद बोल रहा है कि आपने पूरा पैसा निकाल लिया मेरा। उसके अकाउंट में 62,000 रुपये थे, उसका पैसा निकल गया। अब वो दोस्तों हमारे CSP से 30-40 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है कि वहाँ से निकला है और दोस्तों वो बोल रहा है कि आपने मेरा ATM चेंज कर दिया ऐसे उसे। और दोस्तों उसने किया क्या था आप लोग को मैं बता दूँ कि वो हमारे यहाँ पैसा निकाला, पैसा निकालने के बाद 2-3 दिन बाद वो जाकर बड़ा ATM से 2-3 ATM पे गया पैसा निकालने। तो कुछ ATM में पैसे नहीं थे तो कुछ ATM में थे, तो वहाँ पर उसके साथ ये हुआ कि वो गया, वो पैसा निकाल रहा था तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ इशू, तो उसके साथ वो ATM जब पिन दाब रहा था तो उसके पीछे कुछ लोग थे जो उसे देख गए कि वो पिन वही डाल रहा है और उसका कहे कि दीजिए मैं आपका लगाकर पिन डालकर पैसा निकालता हूँ। और उसके साथ एकदम सेम टू सेम इंडियन बैंक का ATM था उसका, वो बदल कर अपना ATM चेंज करके उसका फिर डालकर फिर पैसा निकाल रहा है और बोल रहा है आपका पैसा नहीं निकल रहा है। तो उसका पैसा नहीं निकला तो वो हमारे यहाँ आकर 6 महीने बाद बोल रहा है कि सर जी आपने ATM मेरा पूरा पैसा ऐसे वैसे पूरा मतलब झगड़ा कर रहा था पूरी तरह से। तो दोस्तों मैंने उसका बहुत प्रयास किया, बहुत खोज किया उसका ATM का, तो दोस्तों उल्टा पुल्टा एड्रेस दिखा रहा था, तो बहुत दूर दूर का एड्रेस दिखा रहा। तो मैंने कहा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तो वो आकर हम लोगों के यहाँ झगड़ा करने लगा, कहा आप ही पूरा पैसा देंगे ऐसे वैसे। तो हम लोगों को भाई हम लोग बोले कि हम कैसे दे भाई, हमारे हम तो निकाले नहीं है। तो दोस्तों फिर हमने डायरेक्ट उसे मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, तो डाक जाकर पुलिस कंप्लेन कर दिया। अब पुलिस कंप्लेन कर दिया तो 2-3 दिन बाद हमारे यहाँ पुलिस आई। पुलिस आने के बाद वो जो है हम लोगों के यहाँ आई और बोली कि शुभम कुमार तुम ही हो ना, तुम्हारे पिताजी APS पोर्टल चलाते हैं, APS चलाते हैं। तुमने कहा हाँ, तो कहें कछुआ थाने पर आओ, मुझसे मिलो, तुम्हारा CSP सेंटर ही बंद कर देंगे। तो हम घबरा गए कि भाई क्यों बंद कर देगा, क्या रीज़न है वो। हमने तुरंत हमारा दिमाग गया कि वो प्रॉब्लम वाला वो जो है कंप्लेन किया है। तो मैंने क्या हो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जो है दरोगा हमारे यहाँ चला गया। दरोगा को जाने के बाद मैंने अपने पिताजी से सारी बात बता दी कि वहाँ पर एक दरोगा आया था, हम लोगों को ऐसा बोल रहा था और आपको जाकर मिलना है। तो वो गए थे वहाँ पर, तो कुछ बात हुई जो कि दरोगा ने खुद उसी जो बंदा था जो कंप्लेन किया था उसी को मारे। क्योंकि भाई तुम ATM जब डाल उसमें स्वाइप कर रहे हो तो फिर निकाल रहे हो ATM, तो तुम ही ATM वहाँ ले रहे हो कि हम ले रहे हैं, और पिनिया तो तुम ही डाल रहे हो। और वो सारी बात बताने के बाद जो भी मैटर हुआ वो तुम वहाँ पर मैं गया नहीं था, तो उसे मारे और उसे ही भगा दिए। तो जेल से ये तो हमारा जो हम लोगों का था वो मैटर पूरा सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आप कोई भी कस्टमर आता है आपके यहाँ, तो अगर आप ATM से कैश विड्रॉल काम करते हैं तो उसमें ब्लूटूथ मोड से कस्टमर को ATM थमाइए और उसका ATM वो स्वयं से स्वाइप करें और उसे पैसा निकालते समय उससे कहिए कि आप ऐसे होकर छिप कर ATM पिन डालिए और छिप कर पैसा निकालिए। तो दोस्तों ऐसे ही आपको निकलवाना है और आपको रजिस्टर पूरा मेंटेन रखना है जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि भाई गांव के लोग को CCTV कैमरा लगा है तो कोई भी काम का नहीं है। तो दोस्तों
अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो आपका CSP भी बंद हो सकता है। अगर आप दोस्तों सही काम करते हैं, सही ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपका कभी ज़िंदगी में CSP नहीं बंद होगा। अगर आप गलत काम करते हैं, गलत थोड़ा सा भी गलत करते हैं, तो आपका बंद हो सकता है दोस्तों, उसके ज़िम्मेदार कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपना सही से काम करें। अगर आप गलत काम करेंगे तो ऐसे आप बच सकते हैं। अगर मैं गलत काम करता दोस्तों तो हमारा जेल हो जाता और हमारा CSP भी बंद हो सकता। तो मैं दोस्तों अनुरोध करता हूँ आप लोग गलत काम ना करें। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं उनके साथ, तब तक धन्यवाद।